अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके सामने क्रीमी फूड चाट लेके आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैंने एक पूरा बाउल मैंने अंगूरों का ले लिया है, एक बाउल मैंने अनारदानों का लिया है, 3 से 4 मैंने सेब ले लिए हैं, 3 मैंने ये लिए हैं अमरूद ले लिए हैं जिनको जाम भी बोलते हैं, 8-9 केले ले लिए हैं, 2 क्रीम के मैंने पैकेट लिए हैं। मेरे पास 250 ग्राम क्रीम का पैकेट नहीं था, नहीं मुझे मिला तो मैंने फिर 2 छोटे पैकेट ले लिए हैं। मायनीज़ है ये हमारे पास, 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है, 1 टीस्पून जो है हमारे पास काली मिर्ची है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। ये चीनी को मैंने लेके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप इसको 3 से 4 चम्मच लेके इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। चलिए हम अपने फ्रूट्स को काटते हैं। सबसे पहले हम सेब को काटते हैं। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने सेबों को छीलना है तो छील लीजिए, वरना ये छिलकों समेत भी आप काट सकते हैं। मैं कुछ सेब छिलके उतारूंगी, कुछ ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि वो चाट हमें जो है कलरफुल अच्छी लगती है। ऐसे हम सेब को छील लेंगे, फिर हम इनको बारीक बारीक काट लेंगे। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये चाट बहुत मज़े की लगती है, इसको जितना मर्जी खाओ दिल नहीं भरता, दिल करता है इसको बार बार खाते रहो। हमारे घर में ये चाट बहुत खाई जाती है, मेरी बेटी स्पेशल इसको बहुत खाती है। ये देखिए, बस इस तरह इसको काट के बस इसके जो हमने बारीक बारीक पीसेस कर लेने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने बारीक पीसेस आपने करने हैं। ये देखिए, सेब को हम ऐसे कट लगा के इतने छोटे छोटे हम उनके पीसीस में काट लेंगे। ये देखिए, चाट के लिए ना हमेशा जो है ना सेब है ना आप जूसी लिया करें, इससे हमारी चाट का जो है ना जायका बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, बस हम सारे सेब जो है ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम सेब को कटिंग कर ली है। अब मैं ये जाम जिनको अमरूद भी बोलते हैं उसको कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे कटिंग करनी है। इसके अंदर से ना ये बीज निकाल दीजिएगा, बीज इसके अंदर से निकाल दीजिएगा। बस ये भी ना इसी तरह बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा। बीज इसके अंदर से ना आपने ज़रूर निकालने हैं, फिर वो खाए नहीं जाते, जब जबान दांत के नीचे आते हैं तो वो फिर ना उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता। सारे जाम भी हम इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखें, अब हम फ्रूट चाट के लिए ये मायनीज है होममेड, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून था मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ। आप अपने फूड के हिसाब से मायनीज को क्रीम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरे पास क्रीम है,
ये 250 ग्राम की रोल पैकेट है मेरे पास, 125 का एक है ये। अच्छे तरीके से इसको साफ कर लीजिए अंदर से। शुगर डालते हैं, ये मेरा चम्मच छोटा है, ये टेबलस्पून नहीं है, टेबलस्पून से थोड़ा छोटा चम्मच है, इसलिए मैं ज़रा डाल रही हूँ। तकरीबन 5 चम्मच मैंने डाले हैं, ये 3 टेबलस्पून के बराबर है। ये नमक है और ये काली मिर्ची है। मैं देखूँगी अगर चीनी की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो, ये थोड़ी सी बचाई हुई है मैंने, ये भी बीच में डाल दूँगी। अब इन सबको मिक्स कर लें। किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है वो चीनी ज़्यादा डालें, जिसको मीठा कम पसंद है तो वो थोड़ी सी चीनी इसे कम करके डालें, 2-3 चम्मच भी डाल लें। अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारी मायनीज और क्रीम अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर फ्रूट्स डाल दूंगी, जो मैंने ये सेब काटे हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अमरूद यानी जाम वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे ये सेब है ये काले ना हों। अनार है, ये अनार में सारे नहीं डालूंगी, ये मैं हाफ डाल देती हूँ। अब मैं ये केले जो आपको दिखाए थे ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने बनाना को भी काट लिया है, छील लिया है। अब मैं आप बताती हूँ कि इसको कैसे काटना है। ये देखिए, ये देखिए बनाना को आप ऐसे ऐसे करके भी इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है, ये थोड़े मोटे काटने हैं क्योंकि ये फौरन मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करके थोड़े इसको ना मोटे मोटे काटिएगा। ये देखिए अगर आप इसको ऐसे गोल काटना चाहते हैं तो गोल भी काट सकते हैं आप इसको, ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको काट लें। अब ये सारे बनाना मैं इसके अंदर काट लूँगी। कुछ मैंने साबुत रखे हैं, कुछ मैंने इस तरह काट लिए। ये मैं थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ, तकरीबन ये 10 बनानास थे जो कि मैं डाल रही हूँ क्योंकि बनानास अच्छे लगते हैं। बस इसी तरह आप सारे बनानास को हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने बनाना उसको भी काट लिया है। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। मुझे लग रहा है जैसे मेरा बाउल ना छोटा पड़ गया है। ठहरे मैं इसको ना किसी बड़ी चीज में ट्रांसफर कर लूँ पहले। ये देखिए मैंने बड़े बाउल में ले लिए हैं ये। अब मैं इसमें ये ग्रेप्स डाल दूंगी, अंगूर सारे। आप ये फ्रूट चाट किसी भी फ्रूट की बना सकते हैं जो भी आपके पास है। मेरे पास भी फिलहाल यही था। आप इसमें कीवी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, चीकू डाल सकते हैं, मैंगो, जो भी हो आप फ्रूट आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी मिक्स हो गई है सर। पहले मैं आपको इसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। अभी थोड़े से मैंने अनार के दाने बचाए थे वो हम इसके ऊपर ऐसे करके डाल देंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। ये देखिए
हमारी चाट का फाइनल लुक। पहले मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि हमारी फ्रूट चाट कैसे बनी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत मज़े की बनी है। अब शीन के लिए इतना जायका आ रहा है ना फ्रूट्स का, आप भी बनाइएगा, इंजॉय करें, फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसे लगी। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।